आपको शटल यहाँ से मिली थी या आपने यहाँ से लाए थे? हम अपने खुद लाए थे, ये 10 रुपए वाली लाए थे बस। और फिर हम अपनी शटल लाए थे, हम उससे खेले और कह रहे थे कैश प्राइज वगैरह भी या कुछ भी नहीं हुआ। हमें नहीं मिली सुविधा, और कह रहे थे सुविधा यहाँ की मिलेगी ना, हमें कोई शटल मिली ना कुछ, हम अपना शटल ला के अपना खेले, सुविधा कुछ नहीं मिली। हम अंडर 14 में फाइनल में जीत गए सिंगल्स में, और हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला। क्या क्या यहाँ पे कमियाँ आपने देख कर आ रही है? पहले यहाँ 2 दिन से मैच चल रहे हैं, यहाँ पर शटल हम अपने आप ला रहे थे और ये हमें दे नहीं रहे थे, कह रहे थे 10 रुपये की शटल से खेलो। और यहाँ पे अभी कहा था कि धनराशि मिलेगी 350 रुपये, पहले वाले को धनराशि मिलेगी और उसने बस एक मेडल पकड़ा के भेज दिया गया है। बच्चा नहीं लेकर के आया है यहाँ, हमारे संदूक में बॉक्स बना रखा है हमने, जो स्टोर रूम बना रखा है वहाँ पर सफिशियंट है हमारे पास स्टोर जो है, ठीक है। और हमारा हर गेम में हमने 3 बच्चे हेल्पर भी लगा रखे हैं, ताकि अगर कोई सामान हमारे पास शॉर्ट होता है वहाँ पर एट प्रेजेंट, तो वहाँ से तुरंत सर्विसमैन को बोला जाता है कि संदूक स्टोर रूम से सामान लेकर के आइए और वहाँ प्रोवाइड कराइए। बाहर से अगर किसी बच्चे ने ऐसा कहा है कि हम सामान अपना लेकर के आ रहे हैं, तो बच्चा हमारे पार्टिसिपेशन के लिए, हमारी प्रतियोगिता के लिए वो सामान यूज नहीं हो रहा होगा, वो अपने पर्सनल प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहा होगा, ठीक है। नहीं सर देखिए, नहीं नहीं सर देखिए, ऐसा है ना, जहाँ पर इनाम की धनराशि का सवाल है, तो वो धनराशि अभी ऐसा देखिए, पैसा लेट आया था खाते में, ठीक है, तो वो पैसा निकल नहीं पाया, कल सेकेंड सैटरडे हो गया, आज संडे हो गया। हर बच्चे को जो इसका इनाम है, वो बच्चा पूरी तरह से उसको प्रोवाइड कराया जाएगा, पूरी पारदर्शिता के साथ।